बिल्कुल, आज हमारे बीच से चाय और मेहमान नवाजी खत्म होते जा रही है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला। अब से होगा सिर्फ और सिर्फ दोस्ती, शांति और भाईचारा। अब सिर्फ बिजनेस पर फोकस करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इस पर पहले ही बहुत काम किया और इससे हमें मिलेगा पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। और मुझे यकीन है कि मेरा प्लान बहुत अच्छा है। मेरे प्लान के मुताबिक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेंबरशिप और इस पर मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट। और अगर आप अपने दो दोस्तों को लेकर आते हैं तो तीनों को अलग से 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, और ऐसे तीनों कस्टमर्स खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? डिस्काउंट की लालच में लोग कहीं पर भी आ जाते हैं, बस उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट। कैसा लगा मेरा प्लान बताइए मिसेस मैथ्यू? लेकिन हम वो दो लोग लाएंगे कहाँ से? मिस्टर हिसान को हम 1.5 गिनेंगे। मिस्टर हिसान तुम बहुत बड़े और भारी हो, इसलिए प्लीज बुरा मत माना मेरी बात को। मैं तो बस ऐसी कहती, हमारी तो पुरानी दोस्ती है कि नहीं? मिस्टर हिसान एक जन है, और अगर वो एक और जन को लाते हैं तो हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर ली है, इनफैक्ट मशीन से भी कैलकुलेशन कर ली है मैंने। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो देखो मेरा कैलकुलेशन कितना लाजवाब है, देखो दिखाता हूँ। अगर ये सिस्टम जैसा मैंने सोचा है वैसा काम किया तो मजा आ जाएगा। मिस्टर हिसान तुम जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकम 1,000, 2,000, 3,000 लिराज तक पहुँच सकती है, और ये मुमकिन है। थक जाओगे तुम नोट गिन गिन। ये सिस्टम का नाम है विन विन। मिस्टर एहसान जल्दी घर चले जाओ, तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। हाँ सुनने में अच्छा लगता है। हाँ लेकिन आपको इसके लिए 100 लीरा देने होंगे, 2 50 की नोट भी चलेगी। किस लिए भला? वो क्या है कि हर प्रॉफिट की कीमत तो होती है, वरना सिस्टम ये डेवलप कैसे होगा? इसी तरह से ना, यही तो उसूल होता है। इसलिए आप इस 100 लीरा को अपनी मेंबरशिप फीस समझिएगा। सही है, ये रहे पैसे। लेकिन आई सुन, आई एम सॉरी, मैं डायरेक्ट मेंबर बन रहा हूँ, तुम्हारे लिए सेकेंडरी नहीं बनूंगा। ऐसा तुम्हें नोटों की खुशबू आई गई है, बहुत होशियार हो। जैसे तुम लगते हो वैसे हो नहीं। सरनेम क्या है? ट्रस्ट है, ट्रस्ट, ईसान ट्रस्ट। क्या कह रहे हो? बहुत ही अच्छे। ये हमारे ब्रोशर्स है, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के। तुम इनको अपनी आसपास की लोकेलिटी में अच्छे से बांट देना, ऐसा करने से सबका फायदा होगा। ये अच्छा है। अब मैं कैफे जाकर अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता हूँ, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम उन्हें पक्का कन्विंस कर लोगे। तुम एक बहुत ही अच्छे शिकारी हो, तुम्हारे अंदर भी बिजनेस करने का जुनून है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं हेयरड्रेसर के यहाँ जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाइए, मामा भी जाइए। अच्छा होगा अगर आप एक मेंबर को ढूंढ कर लाएंगी तो आपका भी फायदा होगा। मुझे यकीन है कि आप कर लेंगी। तुम तो ना अनबिलीवेबल हो, तुम हर दिन किसी नए और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को लेकर आते हो, ऐसी अजीब अजीब आइडियाज लाते हो ना कि क्या बताऊं। हमें फ्री में एडवर्टाइजर्स मिल रहे हैं, हम एक नई सिस्टम बनाने वाले हैं, मार्केट में तुमसे अच्छा कोई नहीं, बहुत कूल। अरे आप ही ना प्रेसिडेंट साहब, मेरा दिमाग किसी सीईओ से कम नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारे ब्राइट आइडियाज आते जाते रहते हैं, और इन दिनों मेरा दिल आजकल बहुत ही खुश रहता है। ऐसा लगता है मेरे दिल में तितलियां उड़ रही है, और मेरा मन अंदर से बार बार ये कह रहा है कि मैं सब कुछ हासिल करूंगा, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, देखा हमने हाँ। कुछ बेचा भी नहीं और हमारे पास 200 लिराज आ गए। क्या बात है। अरे प्रेसिडेंट मिस मैकी बे, कुछ ना कुछ बेच कर तो पैसे हर कोई कमा ही लेता है, लेकिन बात तो तब है कि अगर कोई बिना बेचे ही बहुत सारे पैसे कमा ले। ये सिस्टम हम दोनों को माला माल बना देगा, इसलिए तो इसका नाम है विन विन। तो विन विन विन। हेलो ईद। हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना। ओह हाँ सच है, मैंने उस पे लिख दिया था कि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनील, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? क्या बात है मॉम, आप 2 कस्टमर्स लेकर आई गई। अब ये सिस्टम शुरू हो जाएगा और आपको भी इससे बहुत सारा फायदा होगा और पैसे डबल हो जाएंगे आपके, डबल के चौबल होंगे और आपको बहुत मुनाफा होगा। हाँ और भी कुछ हाँ। ले लो। नहीं बस इतना ही। मुजफ्फर
जब तुमने पहले बताया मुझे तो जरा स्ट्रेंज सा लगा, लेकिन मिसेस मिलाहत, ये कोई मेरा पहला बिजनेस नहीं है। अब सिस्टम काम करने लगा है और ये काम करते ही रहेगा, आप देखना। जाइए जाइए और ऑर्गेनिक लवर्स को ढूंढिए, ऑर्गेनिक अमर रहे। ये तो बगैर कुछ खरीदे ही चले गए। कोई बात नहीं, वो अगली बार खरीद लेंगे। एक बार उनको आदत पड़ गई ना तो वो यहाँ हमेशा आती रहेंगी। पिरामिड ऊंचा हो जाएगा। अब जाकर और लोगों को ढूंढिए। मुजफ्फर मेरे भाई, हेलो मेरे प्यारे पार्टनर एहसान, और बताओ सब कैसा चल रहा है? तो पूरा यकीन है कि तुम लोगों को हेलो हेलो हेलो। देखो मैं कुछ नए ट्रेड पार्टनर लेकर आया हूँ। अब हम थ्री मस्केटियर्स की तरह हो गए। इधर आओ बैठिए। हाँ आजा 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 बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। ठीक है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन सबसे रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए, मुझे सबसे सौ दिना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लेकर आओ। मैं दो लोगों को दो बार लेकर आया, दो का मतलब चार हो गया। ऐसी लोगों को लेकर आओगे तो मुनाफा डबल हो जाएगा, समझ रहे हो तुम? हेलो कैसे हो सर? हेलो हेलो मुजफ्फर यार, तुमने बिजनेस शुरू किया और हमें बताया भी नहीं। एक काम करो, हमारा भी नाम लिखो। आप तीन लोग आए, अरे वाह क्या पावरफुल ट्रायल लग रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आओ पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। ये सिस्टम बहुत ही कोऑपरेटिव है और ये खुद ब खुद एडवर्टाइज भी करता है। ये हमारा मोहल्ला जो है ना, ये आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिक सेंटर बन जाएगा। सब लोग अपने आप आएंगे और हमारे मोहल्ले में चारों ओर चर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का। आप लोग देखिए, आइए आइए इधर आइए, चलो 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 जाइए जाइए जाइए। नाम बताइए, सब नाम लिखवा लो। मैं काम करता हूं और लोगों को लेकर आता हूं। ठीक है चलो और लोगों को, चलो तुम कर सकते हो। जाओ चाहिए मुझे कैसे है? अरे देखो कौन आया है, हमारे ऑर्गेनिक लवर। आइए नाम लिखाइए। क्या सच में इसमें थीम ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? ये मूव कर रही है लेकिन तुमने बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू सो मच। ये सब पब्लिशर से सुनने के लिए मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था। तुमको किसी करेज की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तुम किसी भी चीज पर लिख सकती हो। तुम मीट बॉल्स पर लिखोगी तो मैं उसे खुशी से पढ़ूंगा भी सनम। मीट बॉल्स? हम लोग यहाँ कॉफी के लिए मिले और हमने मीट बॉल्स भी खाए। कोई नहीं मैं चलती हूँ अब। हाँ सही है, लेकिन इस तरह की मीटिंग भी तो जरूरी है। बिजनेस मीटिंग मतलब? तुमने कहा था कि तुमने जॉब छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो क्या है? मैं एक नया नॉवेल लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास ग्रेट पोटेंशियल है और मुझे यकीन है कि तुम ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हो। मेरा नॉवेल लिखूं? मतलब मैं लिखूंगी और तुम पब्लिश करोगे? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एडिटर बनकर भी काम करो। तुम्हारे पास एजेंसी का एक्सपीरियंस है, हमें तुम्हारा बहुत ही फायदा हो सकता है सनम। मुझे ये नहीं पता था। अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। देखो मैं कनाडा में बहुत साल रहा हूँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग में कोर्स करवा चुका हूँ। वो सब कुछ शुरू शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन क्यों छोड़ा? मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता था, मुझे स्टूडेंट अच्छे लगते थे, लेकिन फिर मैं कुछ और करने के सपने देख रहा था, कुछ अलग। ये काफी नहीं था मेरे लिए। मैं उन राइटर्स की मदद करना चाहता था जो लिखना चाहते थे। मेरी तलाश जारी है। ओ, तो फिर वापस क्यों आ गए? वहाँ पर मेरी पार्टनरशिप है जो चल रही है, इसीलिए मेरे कनेक्शंस भी हैं। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ भटकता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने देश के यंग राइटर्स के पास पहुँचूं और उनकी मदद करूं। ओ, बहुत अच्छे। इसका मतलब तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में पता चला? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत किताबें, मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, तो कुछ बुरी किताबें भी पढ़ी है। मैं तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ, तुम जो लिखती हो वो सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए। यही तो अपॉर्चुनिटी है जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जल्दबाजी में मत सोचो सनम, तुम इसके बारे में जरूर सोचना। और देखा होए ना बिजनेस मीटिंग? पर मुझे 15 दिन और वहाँ जाना होगा काम करने के लिए। क्यों? वो क्या है ना, ऐसी प्रोसीजर है, 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है, इसीलिए तो मुझे जाना होगा वहाँ काम करने। हाँ ठीक है, सही कह रही हो, मैं बिल पे कर देता हूँ। क्या है कि मैं एक नया ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी किसी से मिलने जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारी ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, क्या कहती हो? ओके देन ठीक है। नॉवेल, मेरा नॉवेल, उफ। रेसिडेंट साहिबा मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल मैंने कुछ ऑर्गेनिक सैंपल ले लिए हैं शॉप से।
मैं जेजे के पास जा रहा हूँ, फिर एजेंसी के लोगों के पास जाऊंगा ताकि हम अच्छे से एडवर्टाइज कर पाए और आगे बढ़ पाए। मोहल्ले के बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना हमें। अभी वहाँ मत जाओ ना, वहाँ मिस्टर चान होंगे, सैनम होंगी, उनको परेशानी होगी। अरे आंटी, हम लोग बड़े हो गए हैं अभी, कोई टेंशन नहीं है। मुझे जान से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सनेम से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, सनेम मेरे मोहल्ले की लड़की है, लेकिन मैं तो वहाँ जेजे से मिलने जा रहा हूँ ना, और तो और वहाँ गुली से भी मुलाकात हो जाएगी। उसने मेरी हमेशा हेल्प की है और इस एंटरप्राइज में उसने हमेशा अपने बेहतरीन आइडियाज दिए हैं। बहुत होशियार है, उसके हाइट तो मत जाइएगा, वो छोटी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए ना, तो मैं आऊँ। नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप आना चाहती है तो आइए, लेकिन मेरी सेक्रेटरी की तरह। ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बस मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ अब वो कामयाब हो जाए। अरे आराम से, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, बस इस बार भी मेरा साथ दे देना, मुझे मायूस मत करना, ठीक है ना, मुझे बहुत उम्मीद है। अरे मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। यस गाइस, अब हम शूटिंग कर रहे हैं, जाओ जाके स्टेज खाली कर दो प्लीज। खाली करवाओ। रिकॉर्डिंग शुरू करें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो डेरन? एनरी, आपको तो पता है कि कस्टमर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमें उनको दिखाना पड़ता है कि हम उनकी केयर करते हैं। 3, 2, 1 प्लान 5, टेक 4 बैंकिंग ऑपरेशंस अब आपके पॉकेट में है, हर काम आसान करता है ये इंटरनेट बैंकिंग। Got it। चलो ब्रेक करते हैं गाइस। प्रोडक्शन टीम से कोई आया है क्या? आप जरा स्माइल करेंगे प्लीज, मोटिवेशन जरूरी है, ये हमारे कस्टमर्स के लिए है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम। उस्मान, ये गरम चाय है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? अरे डार्लिंग, तुमने क्यों मेहनत की, वो लोग दे देते ना। अरे कोई बात नहीं है उस्मान, चलिए और उस्मान को हाय कहिए, आइए। उस्मान, क्या बात है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू मिस डेरन। हेलो, वेलकम। आपके लिए चाय लाऊं क्या? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ होगी। लंच ब्रेक था इसीलिए मिलने आई यहाँ पर। मैंने उससे कहा था, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। उस्मान सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज सर। हाँ ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना? नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो हम लोग यहाँ पर चाय पीते हैं। ओके देन। मिस डेरन, हम लोग सेट चेंज करने की सोच रहे हैं, डायरेक्टर इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे डायरेक्टर से जाकर बात करनी होगी। ओके। एमरी, क्या आप डायरेक्टर को हाय नहीं बोलेंगे? शायद वो इस सेट से खुश नहीं है। तो हमने आज क्या सीखा? हाँ, आर्गन ऑयल और कोकोनट ऑयल के बारे में। ये लो, सब में बांट दो, सबको अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए बोलो, सबके स्किन बच्चे की तरह गुलाबी और चिकनी हो जाएगी। लो इसको लगा कर देखो। लगाइए और फर्क देखिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सोप के बारे में। ये बड़े ही काम की चीज है और हर एक चीज के लिए बहुत फायदेमंद है, सच में। ये बहुत हेल्दी है और आपको चमकदार बनाएगा। इसको लगाने के ढेर सारे फायदे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे याद करेंगे, और तो और इसके साथ में आपको क्या कर रहे हो? क्या है ये सब, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? सुनो, ऑफिस है ऑफिस। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? हमारे प्रोडक्ट है, हम बता रहे हैं ना। मत लो इसे, सुनो मेरी बात, बंद रखो टमाटर पेस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, छोड़ो खाना, मैंने छोड़ो। जी जी, तुम क्या कर रहे हो? कम डाउन, क्या पुलिस, यहाँ क्या बाजार भरा है क्या? पाइन हनी, पाइन हनी, पाइन हनी, छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, आप यहाँ क्या कर रही है? आज के बाजार का सर है, वहाँ तो मुझे सिर्फ पुलिस से ही निपटना पड़ता, लेकिन यहाँ तो जेजे मुझे कुछ करने नहीं दे रहा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो चलो, चलो अपना काम करो, चलो जाओ सब लोग। चलो मिसेस हूँ, मैंने इनको वार्न करने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, क्या करूँ? देखिए मैडम, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करने के लिए आए थे। अच्छे से पब्लिसिटी करके हम सबको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा स्लोगन भी है कि सीधा एनाटोलिया के दिल से आपके टेबल पर। हम तो सिर्फ बता रहे थे कि इसे कंज्यूम करने से कितने फायदे मिलते हैं। इसमें जेजे की कोई गलती नहीं है और न ही हमारी कोई गलती है। क्या आपका इन प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन है? मुजफ्फर और मैं ऑर्गेनिक गुड्स की एक शॉप चलाते हैं, तो इसलिए सामान लेकर यहाँ आए थे ताकि। ग्रेट, बिजनेस में औरतों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। ये बड़ा बड़ा अजीब तरीका है, यू नो।
क्या है ये सब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉम ने जब देखा कि ऑर्गेनिक मार्केट में बहुत बड़ा गैप पड़ा है तो उन्होंने इसमें अपना एक सीरियस योगदान दिया है और उनके पास इससे जुड़ी हर एक जानकारी है। हमारे पास सारी जानकारी है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि सनम ने कहा, हमने इस बात का पूरा फायदा उठाया है और सोचा कि हम इस मार्केट में एंटर करेंगे। हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं, चाहे वो गेहूं हो, पाइन हनी हो, टमाटो पेस्ट हो, कुछ भी हो। हम लोग हमारे कस्टमर्स को कभी उदास नहीं करते। हमारे लिए हमारे कस्टमर्स ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक चीजें बेचकर हम हमारा घर चलाते हैं। ऑर्गेनिक चीजें अमर रहे। जुनिपर ऑयल, रोजमेरी, एलोवेरा भी है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, एलोवेरा है ना, एलोवेरा भी है इसमें, देखिए। हाँ, अमेरिका में मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी, पर यहाँ टर्की में कुछ भी नहीं मिलता। मैं जरूर करूँगी। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप ये टी ट्री ऑयल को यूज करेंगी ना, तो जो डाई से आपके बाल एकदम रूखे हो गए हैं ना, इसके इस्तेमाल से ना ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बालों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, केमिकल्स की वजह से डैमेज हो जाते हैं। डैमेज बालों के लिए मेरे पास एक क्रीम है, इसे आपको बालों में लगाना होगा और फिर मसाज कीजिए। Really? इससे आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। इसे यूज कीजिए। अच्छा, मैंने खरीद रही हूँ, इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे है। ये झगड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, हम इसमें के अलावा हमारे पास कुछ और भी है। हाँ, वो साबुन देना। नहीं, इससे रूखापन बढ़ता है। हमारे एंटरप्रेन्योर को साबुन चाहिए। इससे आपकी स्किन ये साबुन मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारी समझ में आ गया मिस डेरन क्या कह रही हैं? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तुम्हारी समझ में आ गया क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, आप यहाँ कुछ मत कीजिए। मिस डेरन, मुझे इस तरह से मत देखो। नहीं रहा क्या, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। Shame on you, Gulis. Shame on you. आपको अपना ऑरा अच्छा करना चाहिए। क्या हुआ? वो अपोजिट सेक्स है ना, इसलिए आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहती हो। लेकिन मुझे लगता है वो सनेम से मिलने आया होगा। हाँ हाँ, चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो है कौन। ये हैंडसम लड़का कौन है? तो फिर रेस शुरू हो गई है। ब्रिटिश नोबल डेरन, जरा आगे की ओर चलते हुए। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कुछ करना ही होगा। अगर डेरन से आगे निकलना है तो किसी अरेबियन घोड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए। अरे वाह वाह वाह, वो तो करीब करीब पहुंचने ही वाली है। और अब ये रेस अपने फाइनल लैप तक पहुंच चुकी है और डिफरेंस अभी भी डबल है। पुलिस बहादुर है, उसने अभी तक हार नहीं मानी है, लेकिन देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा। और डेरन पहुंच गई है। ब्रावो डेरन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी जी, कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनम से मिलना है। सनम से? अगर आपकी परमिशन हो तो। ईद, क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भूला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी। ये मिस डेरन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगे ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है। सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी, तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलेंगे। व्हाट्स अप ब्रो, आज कोई चांस नहीं है। Unfortunately, हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है, तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो, you know, सनम बिजी है। Actually, बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है, ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनम, ठीक है? क्या कहा, हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनम को जॉब ऑफर किया है, उम्मीद करता हूँ कि वो ये करे। अच्छा, ओके, तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंसिडर। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है?
अच्छा आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा, फिर मिलता हूँ सनम। See you again. Have a good day. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Okay. तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस, जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर ये गीत था। जे जे तुम भी सुनो जरा, उस कार का ड्राइवर ये गीत था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती थी, ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम मेरे केबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट। हमें श्योर होना होगा कि सब ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ बस हम पर भरोसा ही मत, जरा आराम से। ओके मिस्टर जान, हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं, कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरन ने किया है, बाकी सब लोगों ने किया है, तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है। और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए, और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठ कर। साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा। तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना, और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हा? मुझे कोई सूटकेस भर कर नहीं रखना है, मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता, मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूँगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स करूँगी। हाँ बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है, और देखो आगे। हाँ ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप, कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल? बस करो सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है जब आप बालकन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा ना, मुझे ऐसे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर थैंक यू सो मच। सनम मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना, मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका, अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया और बहुत सारी गालियाँ भी दी, मैं बाहर जाकर करूँ। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो आप बालकन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बालकन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो, सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप, मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है, और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे, मैं बहुत खुश हूँ। सनम मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं, आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं, डबल चेक करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो, इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी, वो फिर से टूट जाएगा तो जरा संभल कर। ओ हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, मैं बैकवर्ड्स नहीं जा सकता, तुमने इसे भी तोड़ दिया तो प्लीज।
अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों है ना, ऐसे कर सकते हैं। लैला, एक सेकंड यहाँ। तुमने ये रिपोर्ट देखी? हाँ। ये प्राइसेस तो आज दोपहर में अपडेट किए हैं। क्या बात है, आज कोई बहुत देर तक काम कर रहा है? सुपर, मैं तो ड्रीम ही कर रही थी कि कोई आएगा और पिज्जा साथ में लेकर आएगा। उस्मान, कैसी हो जान? अच्छी हो ना? कैसे हो तुम? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, फेवरेट वीगन पिज्जा। थैंक यू सो मच। ओह वाओ, पिज्जा, क्या बात है। कोई बात नहीं, थैंक यू। हाय उस्मान, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ओह थैंक्स सिस्टर। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें मीट तो नहीं है ना? गाइस ये क्या है, भूख से इतने मरे जा रहे हो, मेरे पैरों पर पैर रखकर जा रहे हो, किसी ने पिज्जा नहीं देखा क्या? रिलैक्स, आओ ना, खाओ। मुझे नहीं खाना है। चिल्लाओ मत, आजा जरा, वो उसे पास कर दो, ठीक है? लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है, आई एम सॉरी उस्मान भाई, लेकिन थैंक यू। ये तो वीगन है और काफी टेस्टी है। देखो इसको, कैसा टेस्टी ना। मिस एमरे, आइए ना, पिज्जा लीजिए, और भी है। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम एंड ईट। सब के सब खाने में मशगूल है, लेकिन मुझे काम करना है, काम मेरे लिए पिज्जा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी टाइम से मैंने लिखना जैसे नजरअंदाज ही कर दिया था, मैं उन चीजों को भूल गई थी जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहती थी, मैं अपने सपनों को भूल गई थी, मैं उनसे दूर हो गई थी। जान ने तो अपना रास्ता चुन लिया, पर उस रास्ते पर मैं नहीं चल सकती, और अब मेरी बारी है, अब मुझे नींद से जागना होगा अपने सपनों के लिए। किसी फिलोसोफर ने कहा है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी को बाहर से देख सकते हो। मुझे ये प्रूव करना होगा, मुझे जान को दिखाना होगा कि मैं उनके बगैर खुश रह सकती हूँ। जी ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ। क्या ये इतना ही है जो रेड लैंप से मिलेगा? जी जी, समझ गए। समझ गए ना? जी जी सर, यस सर, समझ गए। चलो ठीक है, यस सर, यस सर, जाओ काम करो। और देखो तो कितने फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका कलर देखो, साफ करो। और मैं कह रही थी कि जरा संभल कर, संभल कर। ये जानते हुए भी इतने घबराए हुए क्यों हो? सॉरी, मुझे लगा कि ये फट जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा। तुम ऐसे करते हो ना तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने सोचा कि बस ये, बस एक मिनट रुकिए। तुम्हें जो चाहिए वो इसमें है। थैंक यू सो मच लाला, तुम्हारे लिए कुछ भी। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन नहीं है, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। ये बड़ी ही नॉर्मल बात है, तुम्हारी ये आखिरी एक्टिविटी है यहाँ की। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा मतलब वो नहीं था बस। नहीं नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है, ये मेरी आखिरी एक्टिविटी नहीं है, ये तो जान की आखिरी एक्टिविटी है। सनम, सुनो, क्या हम एक बार फिर से चेक कर ले? ठीक है, ये रही फाइल्स, इन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हम वहाँ बैठते हैं, मैं लेती हूँ। हाँ, ये मुझे लेने दीजिए। अपने बेटों के साथ ऐसे चलना कितना अच्छा लग रहा है। एमरे, गेस्ट इसी दरवाजे से एंटर करने वाले हैं। हाँ, उसी दरवाजे से करने वाले हैं। पॉलिन आ गई। हेलो। ओ वाओ, पॉलिन तुम आ गई, कैसी हो तुम? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे देर तो नहीं हुई ना? हाय एमरे, वेलकम। जान, एमरे हम चले? यस मॉम, चलिए। तो बताओ तैयारी हो गई? हाँ चलो अंदर चलते हैं। ओके हाँ सनम, तुम इस पार्ट पर जोर देना, क्योंकि यही पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्ट है इसका, उसके बाद फिर स्लोगन से शुरू करना। ठीक है। जान कहीं नहीं दिख रहे। ठीक है ठीक है, मिस्टर एम्ब्रे आ चुके हैं, मैं ये बताने आई थी कि मिस्टर जान भी पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, उनके आने तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा लंबा मत खींचना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल से लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है।
वो आ गए। God bless you. उम्मीद करती हूँ जिस बारे में मैं सोच रही थी कहीं वो अब होना चाहे। अनफॉर्चुनेट। कहाँ पर है? नहीं नहीं कोई रास्ता नहीं है, अब मन को पक्का कर लो। पर क्या कर रही है? अरे मैंने कहा ना खुद को डीमोरलाइज मत करो, इसको ऐसे समझो कि जान ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है जैसे कि तुमने इनवाइट किया है मिस्टर मुजफ्फर और अयान को, ऐसे ही समझो। ये बहुत ही आसान है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं तो इस तरह से नहीं सोच सकती। हाँ मैं भी नहीं सोच सकती। मैंने भी बगैर सोचे ही बोल दिया। जाओ! अरे तुम्हें वायरल हो गया है? प्रेजेंटेशन है, मैं इस तरह से नहीं छीक सकती। ऐसा सुनने में आया है कि एपिडेमिक फैला है। नाइस नाइस। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था, रियल में मैं सोच रहा था कि वाह 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 वाह, जरा देखो तो सही क्या सजा है इन लोगों ने, वाह वाह वाह। क्या कर रहे हो? हमने इसको रीडिजाइन किया है। मुझे ये बहुत पसंद आया, देखो ना कितनी रिच जिंदगी है आयहान। कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन आज पता चला कि हम खरीद सकते हैं। लाइट्स को देखो, कलर्स को देखो, कितनी रोशनी बनी। हाँ एग्जैक्टली, देखो उन्होंने रेड मोड के लोगों के साथ हार्मनी हो ऐसे ही कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि फॉस्फोरस कलर्स। वो लोग येलो कलर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हार्मनी बहुत अच्छी लग रही है। सब तुमको कैसे पता, तुम तो एक बुचर की बेटी हो ना। ये सच है। अरे वो जेजे ही है ना? हाँ जेजे ही। ओह ये कैंपेन तो बहुत ही शानदार है, सच में मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि रेड मोड टीम ने किया था, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आई लव इट, आई लव। उसने लव कहा? हाँ उसने यही कहा। चलो चलो वहाँ, ये लड़की उसे रिझाने की कोशिश तो नहीं कर रही। नहीं है जेजे, ऐसा नहीं है, उस पर भरोसा करना सीखो, प्यार में भरोसा होना बहुत जरूरी है, समझी तुम? देखो अपने अंदर के बुचर को बाहर मत आने दो, शांत रहो, मैं चेक करता हूँ। तुम यहाँ पर गहरी सांसें लो और चुपचाप खड़े रहो प्लीज, ये बहुत ही अलग जगह है, प्लीज खुद को संभाल लो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है मैं यहीं पर रहूंगी, ठीक है। हाँ। चाहे जो हो जाए यहीं पर खड़ी रहना। वैसे आपको बता दूं कि मैं भी रेड मोड के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करता हूँ। जाइए प्लीज जाइए। और जे जे मुजफ्फर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया हूँ। और गर्ल्स हैविंग फन? बहुत। वैसे आप भी इसी एजेंसी के हैं क्या? नहीं नहीं, मैं इस एजेंसी से नहीं हूँ, हमारा अपना बिजनेस है, अपना इन्वेस्टमेंट है, ये लीजिए हमारे ब्रोशर्स, हमारा ऑर्गेनिक का बिजनेस है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑर्गेनिक साबुन से लेकर ऑर्गेनिक तेल सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ। अब ये लीजिए मेरा कार्ड, कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना। अयहान जेजे तुम बहुत बिजी थे बातों में, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तुम्हारा लव लव चल रहा था ना? अयहान यहाँ इस तरह की सोशलाइजिंग करनी पड़ती है, आज लॉन्च है ना, प्लीज गलत मत समझना। वंडरफुल वंडरफुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूं। हाँ, 35 के बाद तो ख्याल रखना चाहिए, खासकर अपने स्किन का, बालों का, अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो ऑर्गेनिक चीजें यूज कीजिए। अयहान हम हमारे बारे में बात कर सकते हैं, हो सकता है कि ये हमारे प्यार का भी लॉन्च हो जाए, क्या कहती हो तुम? हो सकता है, यानी देखते हैं क्या होता है। तुम्हारी स्माइल तो सब बता रही है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ये एक नेचुरल दुनिया है, आप लोग नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मेरी बात मानिए, जब आपकी नेचुरल खूबसूरती ना ऑर्गेनिक चीज के साथ और खूबसूरत हो जाएगी। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे जलन क्यों हो रही है? खुद को संभालो गुलीस। लैला मैंने एक डिसीजन लिया है। अब क्या है, फिर से तुम्हारा हाँ क्या है? मेरी जगह दरन ये प्रेजेंटेशन देगी तो कैसा रहेगा? और वो क्यों? वो कल मैंने जान को बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया था, अभी सोच रही थी कि 2 घंटे उसके साथ ही बिता लूं, और क्या पता मैं उन्हें रोकने में कामयाब हो जाऊं, अगर दरन ये प्रेजेंटेशन देगी तो ऐसा होगा। आइडिया अच्छा है लेकिन आसान नहीं है, तुम कैसे बात करोगी उससे, कितना हेक्टिक होगा सब कुछ, वो भीड़ से घिरा हुआ होगा, हम क्या कर लेंगे बताओ मुझे, कैसे करेंगे सब? मुझे भी नहीं पता, मैंने वही बताया जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ, कोई प्लान नहीं है, हो सकता है कि शायद वो रुक जाए, मैं अगर उन्हें कन्विंस कर सकी तो। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मैं उन्हें जानती हूँ, अगर इस प्रेजेंटेशन में वो मेरे साथ रहे तो हो सकता है उन्हें मेरा परफ्यूम याद रहे। शायद तुम सही कह रही हो, जाके कोशिश कर लो। ठीक है मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। ठीक है परफ्यूम स्प्रे से पता चलता है। फुस फुस
लेकिन ऑर्गेनिक चीजों को आपको खुद समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो? सनीम एक मिनट रुक जाओ। ऑर्गेनिक पेपर सो ये सब क्या चल रहा है? मैंने कस्टमर से बात कर ली है, उनको पसंद आया है। उन्होंने कहा आई लव, वो भी जोर देकर कहा था। बट डोंट वरी भाई, हम यहाँ पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये बिजनेस है, ऐसा करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक सोप ले जाइए, इससे बहुत काम आएगा। बिजनेस के बारे में मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम इतनी होशियार लड़की हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो स्मार्ट हो। सब कुछ रेडी हो चुका है प्रेजेंटेशन के लिए, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू करें। गुड, लेकिन तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो। नो, आई एम फाइन। तुम्हें एक बात बताऊं कोलिन, सलीम सिर्फ जान के साथ यहाँ रहने के लिए वो प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। कैसे हो सकता है और क्यों? मुझे रीजन का पता नहीं है, शायद उनका कोई प्लान होगा। शायद वो सोच रही होगी कि जान को जाने से रोक सकती है। मिस मीने, मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सनम, बोलो। सनम, चेंज करने का वक्त अब हमारे पास है नहीं, पता है ना? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरी जगह मिस डेरेन को ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए। पर क्यों? तुमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने मिस डेरेन का दिल बहुत दुखाया है। आपको पता है ना, वो बहुत दुखी थी। मिस डेरेन ने ये जॉब पाने के लिए बहुत कुछ किया है और फिर वो उस गंदे गेम का अनजाने में हिस्सा बन गई थी हमारी वजह से। और वो प्रेजेंटेशन करने में बहुत अच्छी है, उन्हें इस कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इसमें बहुत अच्छी भी है, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है ये प्रेजेंटेशन। डेरेन, हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? हो सकता है, मतलब अब मैं क्या बोलूं? ओके, तो तुमने सही कहा। लेकिन मिस मिनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर मैकिनन की ये जिद थी कि इस प्रेजेंटेशन को सनम ही करे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही। और उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए। मिस्टर जान, सनम का स्टेज पर होना बहुत जरूरी है। आखिरी वक्त में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैकिनन अपसेट हो जाए। एब्सोल्युटली। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में प्रेजेंटेशन करो, डेरेन और सनम। मुझे यकीन है ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता, है ना? आई मीन इट्स अ विन-विन सिचुएशन, क्या कहना है? वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, क्या कहती हो सनम? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, हमारे अपने मेंबर्स हैं और हमारे पास अपना मेल एड्रेस भी है। लीजिए लीजिए। अच्छा, ये भी रख लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लूँ। उस पे सब कुछ डिटेल में लिखा है, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहिए तो कॉल करना। हाँ, कैसी है मैडम? अगर आप चाहती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपको हनी बोले, तो हमारा ऑर्गेनिक हनी यूज कीजिए। भाई भाई, बुरा मत मानिएगा, ये बहुत अच्छी है। चलिए ऐसे निकलते हैं। वाह वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैं तो ऑर्गेनिक हनी बेच रहा था जिससे फायदा होता। मिस गुलीस, कैसी हो तुम? देखकर अच्छा लगा तुम्हें, कितनी अच्छी पार्टी है ना। मुझे यहाँ पर 6 मेंबर्स मिल गए, पता है तुम्हें, मेरा बिजनेस सही चल रहा है। तुम्हें पता है आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर ये पार्टी भी ऑर्गेनिक होती तो मुझे 600 मेंबर्स और मिल गए होते। वो क्या है ना, असल में ऑर्गेनिक की बात ही अलग है, लेकिन हर कोई ये बात समझता नहीं है ना, उन्हें समझाना पड़ता है ऑर्गेनिक के बारे में। वैसे इस पार्टी में लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? वो और हाँ, प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पार्टी भी है, कॉन्सर्ट भी। पार्टी, खाना, प्रेजेंस, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा हुआ इस पार्टी में। अगर मेरा बिजनेस कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसी पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। शायद कम से कम 1,00,000 तो आया ही है। ओ माँ, मतलब ओ वाह, सच में इतना हुआ है? इतनी बड़ी पार्टी देकर पैसा क्यों वेस्ट करना, मैं तो चैरिटी में पैसा दे दूंगा सारा, गरीब बच्चे खुश भी हो जाएंगे। इस जगह का किराया बहुत ज्यादा है, इतने सारे वेटर्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उसका पैसा तो लगता है ना। ओके, आप सबका इस रेड मोड की लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नया सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं।
किसी का परफ्यूम बनाना एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूँ तो जिंदगी में होने वाली हर बात एक जर्नी है, जिसके स्टेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ये एक गाड़ी है, पता नहीं हमें कहाँ रोकती। सो व्हाट से इस जर्नी को क्यों ना पैशन और डेडिकेशन के साथ पूरा किया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंस्पायर एवरी वुमन टू लीव दियर मार्क। चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए। वाह, क्या बात है! अरे चुप रहो, चिल्लाओ मत, मुज़फ़्फ़र शांत रहो। कर रहे हो तुम, जहां से आपको कोई गिरा ना पाए। लेकिन याद रखिएगा, इस जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पाए जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ने से नहीं कतराते, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो अपनी खुशबू फैलाना मत भूलिए। La 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 la